आज आम आदमी पार्टी की ऑफिस सर्वज्ञ नगर असेंबली में काचरकर नली में जो ओपन हुई है, ये एक क्रांति केंद्र ओपन हुआ है। कर्नाटक के और बेंगलुरु के तमाम जगह में ऐसी ऑफिस ओपन होने का सिलसिला जारी है। और ये जो पारंपरिक राजनीति, जात धर्म लूट और भ्रष्टाचार की राजनीति चल रही थी, उसको दिल्ली में आम आदमी एक होकर चुनौती देकर जिस तरह पूरी तरह से सर्वनाश किया उस पारंपरिक राजनीति का, और एक अच्छा प्रो पीपल गवर्नेंस जो लेके आए, वो मकसद यहाँ के कर्नाटक के आम आदमी पार्टी का रहेगा। कर्नाटक के आम आदमियों को जागृत करके ये जो पारंपरिक राजनीति है, दारू की, साड़ी बांटने की, राम मंदिर की, कलर की, जात की, इस राजनीति को हम खत्म करके आम आदमी को एक कर जो टैक्स आम आदमी बांध रहा है उसके वजह से जो सहूलतें हमें मिलनी चाहिए दिल्ली में, जैसे आज 10 से 12 हज़ार रुपये एक एक आम आदमी के परिवार को हर महीने फायदा जा रहा है, और ये 10 से 12 हज़ार मतलब होता है कि एक साल का 1.25 लाख रुपया और एक 5 साल ईमानदार गवर्नमेंट के वजह से 6 लाख के करीब करीब का ये जो फायदा है। आज दिल्ली में दूसरी दफ़ा आम आदमी पार्टी आई है, 12 लाख रुपये तो यूं ही एक एक परिवार को फायदा जाएगा। तो वैसी राजनीति हम लाने जा रहे हैं। और एक चीज़ कर्नाटक की जनता को हम कहना चाहेंगे, आपको एक से एक चुनिंदा कैंडिडेट जो हम BBMP के इलेक्शन में डालने जा रहे हैं, निष्कलंक कैंडिडेट जो समाज के लिए सेवा किए और देश के लिए जिनके अंदर में कुछ जज्बा हो, समाज के लिए कुछ काम करने का जज्बा, ऐसे ईमानदार कैंडिडेट हम BBMP में और साथ साथ कर्नाटक के पूरे तालुका पंचायत, जिला पंचायत में और जो नगर सभा इलेक्शन है, वार्ड इलेक्शन है, वो हम डालने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी कर्नाटक की राजनीति को साफ करने जा रही है, ईमानदार राजनीति लाने जा रही है। मेरा नाम रोमी भाटी है, मैं कर्नाटक राज्य के लिए दिल्ली से प्रभारी नियुक्त हुआ हूँ। हम लोग आगामी BBMP इलेक्शन को लेके यहाँ पे आज हमारा एक नया ऑफिस खुला है। अभी हम लोगों ने फोकस किया है कि हम सभी 27 असेंबलीज में अपना इलेक्शन ऑफिस खोलेंगे BBMP इलेक्शन के लिए। एंड आम आदमी पार्टी सभी वार्ड्स में इस बारी अपने अच्छे साफ सुथरे कैंडिडेट्स उतारने जा रही है। हम लोगों ने अपना संगठन का अभी काम स्टार्ट कर दिया है, हमारे बूथ वाइज यहाँ पे टीम्स अभी काम कर रही हैं और वो तैयार हो गई हैं, और हम लोग अभी कर्नाटका में ZBTP इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। तो आप मीडिया साथियों का कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। आप ये कह रहे थे कि कई ऑफिस खुलने वाले हैं और बैंगलोर में। जी, हम लोग अपने सभी 27 असेंबलीज वाइज ऑफिस खोलेंगे, उसके बाद हम लोगों का प्लान है कि हम वार्ड वाइज इलेक्शन खोलेंगे। जैसे ही यहाँ पे इलेक्शन अनाउंस होगा, डेट अनाउंस होगी, हम लोग वार्ड वाइज अपने इलेक्शन ऑफिस खोलेंगे। किस तरह देखते हैं कि इलेक्शन आ रही है, कांग्रेस और BJP और सामने खड़ा है, आपका पार्टी क्या करेगा इसका? देखिए, अभी तक BJP से परेशान लोग कांग्रेस को वोट करते हैं, JDS को वोट करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो है इनडायरेक्टली BJP को ही वोट जाता है, क्योंकि कांग्रेस और JDS अपने ना तो अच्छे कैंडिडेट्स उतारती है और ना उनको बाद में संभाल पाती है, वो सभी लोग बिक के दूसरी पार्टियों में BJP में वापस चले जाते हैं। तो जनता अपने आप को बहुत ठगासा महसूस करती है, एंड इस बारी जनता ने मन बनाया है। मैं पिछले 3 महीने से बेंगलोर में सड़कों पे, लोगों के घरों में, अलग अलग जगहों पे बात कर रहा हूँ, लोगों का बहुत पॉजिटिव रुख मिल रहा है। लोग दिल्ली मॉडल को चाहते हैं कि किसी तरह से बेंगलोर में एप्लीकेबल हो, एंड हम लोग दिल्ली मॉडल को लेके ही यहाँ पे इलेक्शन भी लड़ेंगे। मैनिफेस्टो सबसे बड़ा बेंगलोर BBMP के में भ्रष्टाचार मुक्त करना है, लेट्स क्लीन बेंगलुरु हम लोगों का नारा है, लेट्स क्लीन बेंगलुरु। इस बारी बेंगलुरु को हमने भ्रष्टाचार से क्लीन करना है, जो गार्बेज के इशू हैं उससे क्लीन करना है, जो यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे आज जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं, गड्ढे खुदे हुए हैं, उसको ठीक करना है हमने। ये हमारे बेसिक मुद्दे हैं। मैं इस बारी बेंगलुरु की जनता से, कर्नाटक की जनता से अपील करता हूँ कि साफ और स्वच्छ राजनीति को इस बारी वोट करें। आपने सभी को देखा है, इस बारी आप आम आदमी पार्टी को देखिए, जो दिल्ली में प्रूवन मॉडल है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको वर्ल्ड वाइड आज सराहा जा रहा है। तो इस बारी मैं बेंगलुरु की, कर्नाटका की जनता से अपील करता हूँ कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर आए, एक ईमानदार और साफ सुथरी सरकार को बनाए। पूरा देश में लोग आज इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल का जो गवर्नेंस है, जहाँ पे लोग को मिनिमम जो जीवन को अच्छा करने के लिए चीज़ों चाहिए, जैसे बिजली, पानी, अच्छा शिक्षा बच्चों के लिए, अच्छा हेल्थ केयर अपने फैमिली के लिए, ऐसे एक राजनीति के लिए पूरा देश में लोगों का एक मांग है। इस मांग को देखते हुए हम लोग आज कर्नाटका में और बेंगलोर में
आने वाले जो लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे सर्वज्ञ नगर में एक ऑफिस खोले हैं। कुछ बातें ऐसे होते हैं जो लोगों का समझ में नहीं आता है, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी, विदेशी पॉलिसी वगैरह, जो लोगों का समझ में नहीं आता है या दो राय हो सकती है। लेकिन बैंगलोर के जो मुद्दे हैं, जैसे रस्ते, जैसे सुएज, जैसे पार्क, जैसे गार्बेज, ऐसे मुद्दे पे दो राय हो ही नहीं सकता है। 60 साल में लोगों ने इलेक्ट करके सबको मौका दिया है, लेकिन सब लोगों ने उस मौके का धोखा दिया है, सिर्फ लूट किया है। इसको बंद करने के लिए इस बार सारे सीट्स पे, बीबीएमपी के सारे सीट्स पे और स्टेट के सारे जिला पंचायत और तालुक पंचायत सीट में आम आदमी पार्टी आम आदमी को खड़ा करके जिताएंगे और दिल्ली का बदलाव यहाँ पे कर्नाटक और बैंगलोर में भी लाएंगे। जी देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी के लिए और हर आम आदमी के लिए खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिस ओपन हुई है वो तो सभी की मेहनत का नतीजा है। जैसे कि असद भाई हैं, हाबीब भाई हैं, यासीन हैं, आसरा है, सब वॉलंटियर जो भी यहाँ पे हैं, सब लोगों ने अपनी मेहनत से काम किया है यहाँ पे। इसीलिए खुशी है कि आम आदमी पार्टी इतना है आगे और जा सकती है। हम लोगों का हौसला और बढ़ा है कि इससे ज़्यादा ज़्यादा कर सकते हैं। जितना हुआ उसके लिए हम लोग बहुत बहुत थैंक्स है, जो हम लोगों को ये सपोर्ट आप लोगों का भी मिल रहा है, तो थैंक्स है। मैं आसरा वो बोलेंगी कि वो क्या कहना चाहती है। मैं तो बहुत खुश हूँ। लोगों को क्या कहना चाहती हूँ? लोगों को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम लोगों के सामने है ना बहुत से मॉडल्स हैं, जैसे कि प्रेजेंट कर रहे हैं, हमें चॉइस करना है बेस्ट मॉडल, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख रहा है कि बीजेपी और यहाँ तक कि कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, जेडीएस को भी देख लिया, हमारे पास उन्होंने कोई मॉडल रखा नहीं, सिर्फ बर्बादी के। अभी हमारे पास आम आदमी पार्टी का एक मॉडल ऐसा है कि उन्होंने सत्ता से आने से भी पहले लोगों की भलाई की है, आम आदमियों के लिए काम किया है। यहाँ तक कि पहला मुद्दा आता है एजुकेशन का, जो एजुकेशन सारी यहाँ तक कि पूरी की तरह ख़त्म हो चुका है कर्नाटका के अंदर, वही एजुकेशन को डेवलप करने के लिए अगर आम आदमी पार्टी आ गई तो हमारे बच्चों का एजुकेशन बेस्ट एंड बेस्ट होगा। और हेल्थ को लेके यहाँ पे तो बहुत से ज़्यादा इशू है, वो पूरा होगा इंसानों का। और रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, यहाँ तक कि चौकीदार जो बन के आए थे वो पूरा लूट के चले गए हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग सोचते हैं कि आम आदमी मतलब है कि एक आम इंसान, जो आम इंसान को पता होता है कि वो मुसीबत पढ़ के आगे आता है, उसे पता रहता है कि नेक्स्ट उसे क्या देना चाहिए। तो इसीलिए हमने केजरीवाल आम आदमी पार्टी को चुना है। हम लोग खुश हैं कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम लोग एक ऐसी फैमिली का हिस्सा हैं जहाँ पे एक दूसरे का दुख और सुख जाना जाता है, और इसीलिए हम लोग एक से दूसरे को जोड़ रहे हैं। आगे भी हम लोग जोड़ते रहेंगे, आगे ऐसे ही काम करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। कोई इसी पॉलिटिशियन है, मगर पॉलिटिशियन में आना ही मकसद बन गया, तो इसीलिए पॉलिटिशियन में आगे ही आके जवाब देंगे। हमारे सर्वज्ञ नगर की एक ऑफिस ओपन हुई है, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अभी वार्ड ऑफिस भी हम ओपन करने वाले हैं, लेकिन ये पहले भी जमजम ऑफिस है ऑलरेडी हमारा, और ये दूसरा ऑफिस अब ओपन हुआ है, इसीलिए बहुत खुशी की बात है। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो आम इंसान भी इसमें लीडर है, या ऐसा नहीं है कि जो लीडर दूसरी पार्टियों में लीडर मतलब एक बड़ा आदमी समझ जाते हैं, लेकिन हमारी पार्टी ऐसी है आम इंसान को भी लीडर का दर्जा दिया जाता है यहाँ पे, इसीलिए ये बहुत अच्छी पार्टी है। अगर आदमी लोग समझें कि आम आदमी पार्टी क्या है, तो अगर वो जुड़े हमारे साथ समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में क्या होता है, क्या कर रहे हैं हम। या इंचार्ज हूँ आम आदमी पार्टी में, पिछले 6 महीने से मैं काम कर रही हूँ एज ए वॉलेंटियर। अभी यहाँ पे हमारा सर्वज्ञ नगर का असेंबली ऑफिस ओपन हुआ है, जो कि तीसरा ऑफिस है बैंगलोर में हमारे। कर्नाटका में मैं सभी लोगों से, कर्नाटका में नहीं, मैं सभी हिंदुस्तानियों को एक ही अपील करना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी किस लिए खड़ी है। आम आदमी पार्टी लोगों को अपना स्वराज, अपना हक, अपना अधिकार दिलाने के लिए बुला रही है। आप लोगों को सभी को जागरण होकर एक होकर आना चाहिए, आम आदमी पार्टी में जुड़िए, जो हमारे हक के लिए खड़े हैं, जो बेसिक नीड्स होते हैं
उसके लिए ऊपर उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। जो दिल्ली में ट्रांसपेरेंट पार्टी है, ये एक ट्रांसपेरेंट पार्टी है जो कि कर नहीं, जो सिर्फ बोल नहीं रही है, जो करके दिखा रही है। मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ सभी आम लोगों को कि आम आदमी पार्टी में जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपने हक के लिए खड़ सकें, अपना हक ले सकें। सर्वज्ञा नगर असेंबली की ऑफिस ओपनिंग हुई है जो वेनी मैडम ने डोनेट की है जगह इधर असेंबली ऑफिस के लिए, और जो पब्लिक का इंट्रैक्शन जो कितना दिख रहा है इधर, सब खड़े हुए ही दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स, पानी, करंट, लेडीज़ ट्रैवलिंग, सब कैसा दिल्ली में काम चल रहा है वही मॉडल लाने के लिए पब्लिक एक साथ खड़ी हुई है। जो करप्शन हॉस्पिटलों में जो हालात हैं, बेंगलुरु की ले लीजिए, कौन से हॉस्पिटल, आम पब्लिक को भी पूछ लीजिए कि हॉस्पिटलों में क्या हालात हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्टेशन में ले लीजिए या बीबीएमपी ऑफिसों में ले लीजिए, करप्शन से तंग आ जाकर पूरे हर एक आदमी आम आदमी की लाने के लिए जद्दोजहद करके। अभी आप देखे थे फंक्शन जो ऑफिस ओपनिंग हुई कैसा क्रोड आया था, सब एक एक आदमी एक एक जिम्मेदारी ली थी, किसी ने इधर पैसे और दारू बाटल क्या भी देखे नहीं ले मंगाए आदमी को, सब आदमी हम आपको सपोर्ट देंगे बोल के खुद वॉलेंट्री एरिया में सर्वज्ञा नगर असेंबली के सब वॉलेंट्री खिदमत करके इधर एक साथ जुड़े हुए हैं। क्या जो जो दिल्ली में जो जो मॉडल है वही हमारा मॉडल इधर बेंगलुरु में ले लगाने के लिए, जो भी हमारा कैंडिडेट जीतेगा बीबीएमपी में वही मॉडल इधर इंशाल्लाह हमें वो वार्ड में काम करेंगे। जो हमारा मैनिफेस्टो है आम आदमी का मैनिफेस्टो, वही दिल्ली का मैनिफेस्टो सेम यही बेंगलुरु में भी लेके आएंगे, वही गवर्नमेंट स्कूल जो हालत यहाँ के गवर्नमेंट स्कूलों में ही, जो हमारे बाथरूम भी उतने ख़राब नहीं होते, उतने हालतों बिगाड़ के रखे हैं, जो कांग्रेस जेडीएस बीजेपी इतने सालों से यहाँ राज कर रहे हैं, जो करप्शन, जो 15 दिन के लिए इलेक्शंस में 15 दिन के लिए आके मौज मस्ती दारू पैसे बांट के इधर फिर दिखते नहीं 5 साल, स्कूलें हाल रोडें स्टेशंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वैसी हालत है। इंशाल्लाह ये हम जीत के आएंगे, पब्लिक हमारा बहुत पूरा सपोर्ट कर रही है, जीत के आके हम मॉडल बना के दिखाएंगे यहाँ के गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल कैसे रहना चाहिए, वो उर्दू स्कूल हो कन्नड़ स्कूल हो गवर्नमेंट के जो सरकारी स्कूल हैं वो मॉडल बना के दिखाएंगे, जो इंटरनेशनल स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स यहाँ कैसे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स बना के दिखाएंगे। मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ 3-4 महीने से, मैं देख रहा था कि दिल्ली मॉडल क्या है, करप्शन के लिए इतना काम कर रहे हैं। आज यहाँ पे एक ऑफिस खुली हुई है सर्वज्ञा नगर असेंबली में, जो एक माशाल्लाह बहुत शानदार ऑफिस खुली हुई है। इस ऑफिस खुलने से हमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में इतना बड़ा झटका लगेगा कि कल से उनकी नींद, रातों की नींद हराम हो जाएगी। और इंशाल्लाह ये ऑफिस में से जितने वार्ड हैं हमारे उतने सारे वार्ड में कॉर्पोरेटर बनेंगे और काउंसिल फॉर्म होंगे, और आने हुए असेंबली इलेक्शन में भी हम चुनाव हिस्सा लेंगे और हमारा कैंडिडेट यहाँ पे प्रतीव रेड्डी रहेंगे और वो यहाँ पे खड़ेंगे और हम उनकी शानदार जीत हम दिखाएंगे। कैसे देखते हैं सर इधर कांग्रेस और बीजेपी बड़ी आम आदमी किस तरह देखती है? देखिए कांग्रेस ने 70 सालों से हुकूमत की है, बीजेपी 7 साल से हुकूमत कर रही है। आज अगर तुम बीजेपी की सरकार देखेंगे तो 50% तो कांग्रेस के लोग ही जमे हुए हैं और 10-15 लोग जेडीएस के जमे हुए हैं। जो पब्लिक इनको इलेक्ट करती है कांग्रेस और जेडीएस की टिकट में, अल्टीमेटली ये जाके जम जाते हैं बीजेपी में। तो पब्लिक इनको अभी कोई वोट नहीं देने वाला है, जो भी वोट होंगे सेक्युलर वोट वो आम आदमी पार्टी को लगेगा और इंशाल्लाह आने वाले सारे चुनावों में हम जीत हासिल करेंगे। हम जब आएंगे काउंसिल जब बनाएंगे तो हम एक एक मोहल्ले में एक एक वार्ड में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, अच्छे अस्पताल जो कॉरपोरेशन के जो क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक जो रहते हैं उनको हम इतनी बेहतरीन बनाएंगे कि सारी पब्लिक खुश हो जाएंगे। और उसके बाद जब सरकार हमारी बनाएगी तो हम दिल्ली में जो इम्प्लीमेंट किए हैं वो कर्नाटक में भी इम्प्लीमेंट करेंगे।